इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आईटीओ पर, विकास सदन के बाहर। जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं तिमंजिला, इसमें ऊपर जहां पर आप देखिए फायर के कर्मी शीशा तोड़कर अंदर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से धुआं निकल रहा है। ये दिल्ली महिला आयोग का ऑफिस है और बताया जा रहा है यहीं पर आग लगी। अचानक से कॉन्फ्रेंस रूम है उस इलाके में, अचानक से आग लगी और उसके बाद बगल में जो आसपास के कमरे थे जहाँ पर बताया जा रहा है फाइलें रखी थी, उस तरफ आग फैल गई। और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से जो पूरी बिल्डिंग में आप देखिए कि धुआं हर जगह से निकलता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। आईटीओ पर ये दिल्ली महिला आयोग का ऑफिस है और यहाँ पर ये आग लगी है। तकरीबन 10 फायर टेंडर यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ बाहर ही वो मौजूद हैं, यहीं पर खड़ी हैं और लगातार नज़र बनाए हुए हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है अंदर, किस तरीके से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बेहद परेशान भी हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी कोशिश है कि जो कुछ भी किया जा सकता है यहाँ से वो किया जा सके। आपको कब खबर लगी आपकी? अभी एक मीटिंग के बाद मैं ऑफिस पहुंची थी, जैसे ही ऊपर पहुंची तो मैंने देखा धुआं ही धुआं हो रहा है और सब लोग तितर बितर हो रहे थे। पूरी दिल्ली महिला आयोग में आग लग गई है और कॉन्फ्रेंस रूम में और मेरे कमरे में आग लग गई है। हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर का जो रूम है जहाँ सारी फाइलें रहती हैं वो भी वहीं पर है, तो हम बहुत ज़्यादा अभी परेशान हैं क्योंकि अगर फाइल्स को कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल होगी। साथ ही अभी ये समझ नहीं आ रहा कि कितने लोग बाहर आ गए हैं, कुछ लोग अंदर फंसे हुए तो नहीं है। तो अभी पूरी टीम लगी हुई है, फायर फाइटर्स की भी टीम आई हुई है एंड वी जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी आग बुझा सके। तो आप ये देखिए कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ होनी बाकी हैं कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है और क्या आग कहीं जो फाइलें हैं उनको अपने चपेट में तो नहीं ले लेगी।